त्यागी समाज पर टिप्पणी करने को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील साजन के खिलाफ गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में केस दर्ज हुआ है। टीवी पर दिए गए बयान की वीडियो के साथ त्यागी समाज के लोग बीते रोज सिहानी गेट थाने पहुंचे और शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बसंत रोड की लक्ष्मी विहार कॉलोनी के रहने वाले कामेश्वर त्यागी के नेतृत्व में त्यागी समाज का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को सिहानी गेट थाने पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील साजन ने बीते रोज एक टीवी चैनल में अपना वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में जितने भी त्यागी समाज के नेता हैं वो सभी महिला विरोधी मानसिकता के हैं। त्यागी का कहना है कि सपा प्रवक्ता के इस आपत्तिजनक बयान को सार्वजनिक रूप से कहा गया। सपा प्रवक्ता ने अपने बयान में दोबारा दोहराया कि त्यागी समाज के लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। कामेश्वर त्यागी ने आपत्तिजनक बयान की वीडियो सौंपते हुए सुनील साजन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा, ऐसा बयान देकर सुनील साजन ने त्यागी समाज की छवि को धूमिल करने और समाज की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का काम किया है। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है, कामेश्वर त्यागी की शिकायत पर सपा प्रवक्ता सुनील साजन के खिलाफ मानहानि करने का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।